बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DTFT कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमें डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं किसी सिग्नल का, फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल टाइम डोमेन में, और हम उस सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना चाहते हैं, तो हम ऐसे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं और वो बन जाता है एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, लेकिन हम अगर किसी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा रहे हैं, एक टाइम डोमेन सिग्नल है और हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेकिन इसके साथ होता क्या है कि अगर एक सिग्नल डिस्क्रीट है, अगर एक सिग्नल डिस्क्रीट है तो फिर वो टाइम डोमेन में, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कंटिन्यूअस हो जाता है, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था और हमने प्लॉट भी किया था, तो हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ रहा था। अब हमारी बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेज हैं जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स को डील नहीं करती और उनको डिस्क्रीट फॉर्म में ही सिग्नल चाहिए होता है, लिहाजा हमने डिस्क्रीट सिग्नल तो दिया उन्हें, फॉर एग्जाम्पल हमने सैम्पलिंग की, हमने सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो सिग्नल हमारा कंटिन्यूस बन गया। अब हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो ऐसे सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वो दोबारा कंटिन्यूस से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही रहे, लेकिन वो दोबारा कंटिन्यूस फॉर्म से डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी ये कन्वर्ट हो जाए एक्स ऑफ के में, एंड वेयर एक्स ऑफ के इज अ डिस्क्रीट सिग्नल, राइट, दिस इज अ डिस्क्रीट सिग्नल। तो हम यूँ कह सकते हैं कि डिस्क्रीट सिग्नल को टाइम डोमेन से दोबारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जा रहे हैं हम, लेकिन डिस्क्रीट शक्ल में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो एक डिस्क्रीट सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल ही रहने देता है, लेकिन उसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके लिए जो जेनेरिक फॉर्मूला है उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक तो है एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू समेशन एन ज़ीरो टू एल माइनस वन एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे टू पाए के एन डिवाइडेड बाय एन, एक तो ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या यूँ कह लें कि इसको हम वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर और मैट्रिसेस की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, और इसको इस तरह लिखा जाता है एक्स के इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन टू एक्स वेयर डब्ल्यू एन एंड दिस इज एक्स एन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हम इसके ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं, एंड दो चीज़ें यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है, एक तो ये याद रखना ज़रूरी है इसमें जो एन आ रहा है वो या तो बराबर होना चाहिए लेंथ से, सिग्नल की लेंथ से, या इससे बड़ा होना चाहिए एन, और दूसरा इसमें जो एक्स एन हमें नज़र आ रहा है तो एक्स एन जो है हमारे पास ये एक कॉलम वेक्टर है, इस कॉलम वेक्टर में हमारे सिग्नल की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ठीक है, जो भी सिग्नल हमारे गिवन होगा उसके एलिमेंट्स आ रहे होंगे, और डब्ल्यू एन जो हमारे पास है इसकी जेनेरिक फॉर्म कुछ इस तरह है कि इसकी पहली रो में वन आ रहे होते हैं और पहले कॉलम में भी वन आ रहे होते हैं। ठीक है, और वन आ रहे होते हैं, उसके बाद यहाँ आता है ओमेगा, ओमेगा यहाँ आता है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आता है ओमेगा क्यूब, ये पावर बढ़ती जाती है, फिर यहाँ आता है ओमेगा स्क्वायर, अगले में हो जाता है फोर, अगले में हो जाता है सिक्स, बढ़ता चला जाता है, फिर इस तरह आगे आएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा नाइन, ओमेगा थ्री थ्री का इजाफा होगा, सॉरी सिक्स नाइन, और इस तरह सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, याद रखें
यहाँ सबस्क्रिप्ट में एन क्यों आ रहा है? अगर हमारी फॉर एग्जांपल सिग्नल जो है उसकी लेंथ 4 है, ठीक है, या यूँ कह लीजिए, मैं उसको इस तरह लिख देता हूँ कि अगर हमारी इफ़ एन इज इक्वल्स टू 2, अगर एन की वैल्यू 2 है तो फिर हमारे पास जो एक्स ऑफ एन बनेगा वो होगा, एक्स ऑफ एन हमारे पास होगा एक्स ऑफ 0 और एक्स ऑफ 1, ठीक है, सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी। और जो W होगा वो n क्योंकि 2 है तो W हमारा 2/2 का होगा, यानी 2/2 का मतलब है सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा 1 1 1 ओमेगा, ठीक है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 होगी तो W हमारा होगा 4/4, 4/4 का मतलब है 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, चार रोज हैं और चार हमारे पास कॉलम है, चार रोज चार कॉलम, और ये हो जाएगा W W² W³ W² W⁴ 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 W³ W⁴ W⁹, ठीक है। ये हम कब यूज़ करेंगे W का फॉर्मूला? जब हमारे पास n किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फोरियर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को वेक्टर की नोटेशन में अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं, उससे हमें मज़ीद वाज़ हो जाएगा कि हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ कैसे करेंगे। लिहाजा हम लेट्स ट्राई एन एग्जांपल, x ऑफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एरो, और हमसे कहा जा रहा है कंप्यूट कंप्यूट द कंप्यूट द DTFT discrete time Fourier transform of 4-point sequence, ठीक है, चार वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो 4 है, तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो n होगा वो या बराबर होगा या बड़ा होगा लेंथ से, तो लेंथ 4 है इसलिए हम n को ले सकते हैं 4, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और साथ साथ ये याद रखें कि ये एरो है तो इसका मतलब ये n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3, ये स्मॉल n है, स्मॉल n जो है वो टाइम को शो कर रहा होता है। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने स्मॉल w कैलकुलेट करना है, यानी ओमेगा कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है J2π/n। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो J2π और n हमारे पास है 4, e⁻ j ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये जगह π/2, और अगर हम इसको यूलर्स आइडेंटिटी की फॉर्मूले से ओपन करें तो ये आ जाएगा cos π/2 - j sin π/2, cos π/2 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है तो ये आ जाएगा -j। तो हमारे पास W की जो वैल्यू आई है वो -j आई है। सो याद रखें, हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको DTFT या DFT भी कहा जाता है, DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, या डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला ये वाला है, WN इंटू XN, ठीक है। मैं इसे कह रहा हूँ इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 के लिए ये दो चीज़ें हमें चाहिए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास XK आ जाएगा। सो, हमारे पास सबसे पहले WN की हम बात करते हैं, तो क्योंकि N जो है वो 4 है इसलिए W जो होगा वो हमारे पास 4/4 का होगा। 4/4 का कौन सा होगा, तो मैंने भी पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ आएगा 1 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, ठीक है, और फिर यहाँ आता है W W² W³ W² W⁴ W⁶ W³ W⁶ W⁹,
ठीक है, और W हमारे पास आ चुका है, हम W कैलकुलेट करें माइनस J, तो जगह 1 1 1 1 1 1 1, W की जगह माइनस J का स्क्वायर माइनस J का क्यूब, ये जगह माइनस J स्क्वायर माइनस J की पावर 4 माइनस J की पावर 6 और माइनस J की पावर क्यूब माइनस J की पावर 6 और माइनस J की पावर 9, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि माइनस J का स्क्वायर जो होगा वो प्लस J स्क्वायर जो होगा, J स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो हम अगर J को सॉल्व करें, मैं एज एन एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे माइनस J स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन तो ख़त्म हो जाएगा, इसको जे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जे स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन होता है। तो इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो W आएगा 4/4 का, ये आएगा 1 1 1 1 1 1 1, ये तो माइनस जे ही रहेगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये माइनस वन वन माइनस वन एंड दिस इज जे माइनस वन माइनस जे, ठीक है। W आ गया, अब एक्स एन चाहिए हमें, एक्स एन कुछ भी नहीं है, एक्स एन सिंपल एन 4 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 या 4/1 भी कह सकते हैं इसको, ये इसी को हमें कॉलम वाइज लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक। अब इसको और इसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, लेट मी राइट पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। सो एक्स के वुड बी इक्वल्स टू, पहले हमारे पास W था, तो W की वैल्यू थी 1 1 1 1 1 1 1 माइनस जे माइनस वन जे माइनस वन वन माइनस वन जे माइनस वन माइनस जे मल्टीप्लाई बाय x, तो x से 0 1 2 3, और हमें पता है कि रो मल्टीप्लाई होती है किससे, कॉलम से, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, एक्स के इज इक्वल्स टू, ये 1 इस 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस ये 1 इससे होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस ये 1 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, ये 1 3 से होगा तो 3 आ जाएगा। अब अगली रो आपने इससे मल्टीप्लाई करनी है, यानी ये वाली रो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आएगा माइनस 2 प्लस 2j, और इस रो को जब करेंगे तो ये आएगा माइनस 2, और इस वाली रो को जब करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 माइनस 2j, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 प्लस 2j माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2j। अब हमारे पास एक्स के आ चुका है, याद रखें कि ये होगा हमारा सी 0, ये होगा सी 1, ये होगा सी 2 और ये होगा सी 3, ये हमारे पास कोफिशेंट्स आ चुके, ठीक है। अब कोफिशेंट्स की मदद से हम मैग्नीट्यूड और फेस स्पेक्ट्रम इसका प्लॉट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका मैग्नीट्यूड और फेस स्पेक्ट्रम प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में हम जितने भी सी हैं सबका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। सी 0 का मैग्नीट्यूड 6 आएगा, सी 1 का जो मैग्नीट्यूड है, तो याद रखें मैग्नीट्यूड में हम रियल पार्ट और इमेजिनरी का जो कोफिशेंट होता है उसका स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2√2, ठीक है। फिर सी 2 जो है, ये हमारे पास 2 ही था, माइनस 2 था, माइनस 2 जो है डेफिनेटली इसका स्क्वायर करके रूट लेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, और सी 3 हमारे पास जो था वो माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर और रूट, ये भी हो जाएगा 2√2। तो अगर इसको हम प्लॉट करें, तो प्लॉटिंग हम पीछे भी देख चुके, हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्लॉट करते हैं वो क्या करते हैं, और वाई एक्सिस पर
मैग्नीट्यूड करते हैं, ठीक है जी। के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, -1, -2, -3। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 6 है। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये 6 है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो तो यहीं पर आ जाएगी 6 पर, क्योंकि 0 पर 6 आ रही है। फिर 1 पे आ रही है 2√2। तो फॉर एग्जांपल ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारा 2√2। फिर अगली वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारा 2। फिर अगली वैल्यू फिर 2√2 आ रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2√2। याद रखें जब आप मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं तो जो वैल्यूज़ यहाँ आती हैं एज इट इज़ वही वैल्यूज़ यहाँ आ जाती हैं, यानी ये इवन सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ आ जाएगा 2√2, फिर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2, और फिर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2√2। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो होता है वो इवन सिमेट्रिक होता है। इसी तरह अगर हम फेज स्पेक्ट्रम इसका प्लॉट करने की कोशिश करें तो जो फेज स्पेक्ट्रम होगा, फेज स्पेक्ट्रम, उसमें इन तमाम सी का हमें फेज कैलकुलेट करना होगा, ठीक। फेज कैलकुलेट करने के लिए सी नॉट, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, इमेजिनरी, इमेजिनरी इसमें नहीं है, डिवाइड बाय रियल। तो टेन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, फिर C1 tan इनवर्स इमेजिनरी, तो C1 का जो इमेजिनरी का कोफिशिएंट था वो 2 था और रियल का -2 था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि C1 ये है, C1 में ये इमेजिनरी का कोफिशिएंट है और ये उसका रियल हमारे पास जो है वो नंबर है, तो इसलिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये -1 हो जाएगा, दिस इज -1, ठीक है। और अगर ये -1 हो जाएगा तो जो -1 होता है इसका -π/4 आता है, फिर C2 जो है इसका अगेन 0 हो जाएगा, और C3 का tan इनवर्स -2/-2, तो ये 1 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू π/4, π/4, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा π/4। लिहाजा अगर इसको हम प्लॉट करना चाहें तो एक्स एक्सिस पर वही के आएगा, ठीक है, यहाँ के आएगा और यहाँ हमारे पास आएगा फेज ऑफ सी के, के की वैल्यू 0, 3 तक जा रही है, और फिर हमारे पास के की वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास 2 होगी, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू 3 होगी, फिर यही सिलसिला यहाँ होगा, यहाँ -1 हो जाएगी और फिर ये -2 हो जाएगी और फिर -3 हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखेंगे कि देखें 0 पर तो 0 ही आ रहा है, कुछ भी नहीं है। 1 पे हम देखें तो π/4, माइनस का π/4, यानी नीचे जाएंगे हम, ठीक है, हम यूँ अज्यूम कर लेते हैं ये -π/4, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है नीचे नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद 2 पे भी 0 है, 2 पे 0 है, 3 पे π/4 है, तो ये हो जाएगा π/4। अब याद रखिए कि फेज स्पेक्ट्रम जो होता है ये ऑड सिमेट्रिक होता है। ऑड सिमेट्रिक का मतलब है ये वैल्यू उधर जाके ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू उधर जाके ऊपर चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, सही है, π/4 हो जाएगी -1, और ये वैल्यू जो है ऊपर थी ये नीचे चली जाएगी, ऊपर थी ये नीचे चली जाएगी, ये π/4 हो जाएगी माइनस की किस पर, -3 पर। सो दिस इज़ द फेज स्पेक्ट्रम एंड दिस इज़ द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और आप देख सकते हैं हमारे पास डिस्क्रीट ही आ रहा है, सिग्नल भी डिस्क्रीट था और हमारे पास स्पेक्ट्रम भी डिस्क्रीट ही बन रहा है। आई होप आपको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।